ये वीडियो उन सबके लिए है। मेरे सामने लड़की बैठी है जिसने मेंस भी क्रैक कर लिया, इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया, ज्वाइनिंग भी आ गई, बट कोई डीवी में इशू आ गया जिसकी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाई। मतलब आप सोचिए कि इस केस से ज्यादा और क्या हो सकता है। उसके बाद भी शी डिडंट गिव अप, से दोबारा से एग्जाम लिखा और अब आपके सामने बैठी हुई है, राइट। So hello friends, today I have with me Ronita, and Ronita has cracked the IBPS SO marketing officer exam. So congratulations and welcome. Thank you sir, thanks a lot. So how does it feel? I mean, kaisa lag raha hai Ronita cracking an exam? Sir, bahut hi badhiya lag raha hai. Aur sir actually bahut hi achhi journey rahi hai, to bahut hi badhiya lag raha hai. To aap is journey ke bare mein charcha karenge, we will discuss ki aapne kahan se journey shuru kari, kahan kahan aapko road blocks mile, kahan dikkat aayi, kaise overcome kiya aur is muqam tak kaise pahunche. To sabse pehla question mera Ronita aapse ye hai ki aap kahan ko belong karte hain, aapka education background thoda bataye aur schooling aur aapka MBA aapne kahan se karaya, family ke bare mein kuch bata. Sir अभी तो मैं फिलहाल नोएडा में रह रही हूँ, बट बेसिकली आई बिलोंग टू कैलकटा एंड मेरी स्कूलिंग मैंने महारानी काची देवी गर्ल्स स्कूल जयपुर से करी है और फिर मैंने ग्रेजुएशन में बीबीए किया. मेरा स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग रहा है, कैलकटा यूनिवर्सिटी से किया था मैंने ये. और फिर मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया था भारतीय यूनिवर्सिटी से. इट वॉज आई डिड एमबीए एंड अगेन माई स्पेशलाइजेशन वॉज मार्केटिंग. एंड ऑल्सो सर अभी रिसेंटली मैंने पी जी डी एम किया है फाइनेंस में ICICI मणिपाल अकेडमी से एंड करेंटली आई एम वर्किंग देयर. एंड सर अबाउट माई फैमिली, बेसिकली वी आर थ्री मेम्बर्स. पापा ही इज अ रिटायर्ड स्किल थ्री ऑफिसर फ्रॉम बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक. एंड माई मदर शी इज अ होम मेकर. सो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ बैंकर एंड दैट टू इन द मार्केटिंग डोमेन? आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन 2019 एंड before that I was working in Silicon India company and 2 to 4 months I worked there and in the fourth month I resigned. And that time I realized that I have to pursue for this examination, for government exams. And ek to sir is cheez ne inspire kiya kyunki kafi time se ek andar mein tha ki karna hai, preparation karni hai, but ek जब आप प्राइवेट सेक्टर में जब मैं गई और मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे यही चीज करनी है, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू. तो आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन इन 2019 एंड आल्सो सर मेरे पापा क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर बैंक में थे तो एक फैमिली इन्फ्लुएंस भी काफी रहा है सर. बिकॉज़ इफ यू हैव समबडी इन द फैमिली हु हैज बीन इन दैट इन दोस शूज इट बिकम्स इजीियर. वो आप ज्यादा रिलेट कर पाते हो, आपके काफी सारे क्वेरीज वहाँ एड्रेस हो जाते हैं और आपके पास एक लिविंग एग्जांपल है आपके सामने समझने के लिए. जी सर. तो अब मेरे को पहले ये बताओ कि आपके पास, जैसे आपने बोला कि आपने एमबीए करा और बैंकिंग की तैयारी 2019 से आप कर रहे हैं, तो आप केवल मार्केटिंग ऑफिसर के ही जॉब के लिए परस्यू कर रहे थे अपना करियर पाथ या और भी टारगेट्स को आप चेस कर रहे थे उसी समय? सर मैंने अपने एजुकेशन बैकग्राउंड पे ही अपने प्रिपरेशन को फुल्ली, मतलब अपने प्रिपरेशन को मैंने एजुकेशन बैकग्राउंड पे ही रखा था. जैसे मैंने बीबीए और एमबीए मार्केटिंग में करा तो मैंने आईबीपीएस एसओ को सबसे पहले प्रेफर किया और एक दो एग्जाम्स है सर, जैसे कुछ रेगुलेटरी बॉडीज के आरबीआई के लिए और सेबी के लिए मैंने कुछ ऐसे सेग्रीगेशंस करे थे. मैं सारे एग्जाम्स के लिए नहीं प्रिपेयर कर रही थी, बट आई गेव ऑल द एग्जाम्स, आई सैट फॉर ऑल द एग्जाम्स, बट मैंने मेन फोकस मेरा कुछ यही सर, कुछ कि जैसे आईबीपीएस एसओ और आरबीआई यही सारे एग्जाम्स थे. सो दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर आईबीपीएस एसओ? नो सर, दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट. एक्चुअली आई आल्सो इन 2019 इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई क्रैक्ड इट आल्सो, बट एंड आई वाज अलॉटेड बैंक ऑफ इंडिया, बट सर देयर वाज सम डॉक्यूमेंट इशू वेयर आई फेल्ड टू फुलफिल द क्राइटेरिया एंड माय कैंडिडेट्स गॉट कैंसिल्ड. So I had to reappear for the exam this year. So guys, ये वीडियो मैं उनको जरूर चाहूंगा कि देखें. मेरे को बहुत सारे बच्चे अभी were getting back to me कि सर we cracked the pre, we cracked the mains, we went for the interview, couldn't make it. तो ये वीडियो उन सबके लिए है. मेरे सामने लड़की बैठी है जिसने मेंस भी क्रैक कर लिया, इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया, ज्वाइनिंग भी आ गई, बट कोई डीवी में इशू आ गया जिसकी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाई. मतलब आप सोचिए कि इस केस से ज्यादा और क्या हो सकता है. उसके बाद भी शी डिडंट गिव अप, सो दोबारा से एग्जाम लिखा और अब आपके सामने बैठी हुई है, राइट. तो रोनिता 2020 में भी लिखा था आपने एग्जाम?
नहीं सर, 2020 में नहीं रखा था मैंने उस वक्त कुछ. मैं सर आई वुड कन्फेस दिस कि थोड़ा सा मैं भी मेंटली अफेक्ट हुई थी जब मेरा कैंडिडेचर कैंसिल हुआ था, तो देयर वाज अ आई वाज रियली डिसहार्टेंड. तो फिर मैंने खुद को थोड़ा टाइम लगा मुझे रिवाइव करने में, एंड आई थॉट नो बिकॉज आई हैव फेल्ड अ लॉट सर इन माई लाइफ. आई फेल्ड अ लॉट बट एज इट इज सेड सर, फेलियर्स आर द पिलर ऑफ योर सक्सेस. सो मैंने फिर से खुद को बोला समझाया कि नहीं, आई हैव टू वर्क फॉर इट, आई हैव टू सिट, आई हैव टू गिव द एग्जाम अगेन. सो हियर आई एम. मैं भी स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ, अगर आप फेल हो गए किसी चीज में तो इससे नीचे और कहाँ जाओगे, हो ही चुके ना फेल, तो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाओ, इसको एक फाउंडेशन की तरह यूज करो. तो और 2020 में मुझे लगता है कोविड भी था, वैकेंसीज भी बहुत कम थे, तो बहुत सारे फैक्टर्स ने इस चीज को इम्पैक्ट किया होगा. उसके बाद एक बार आपने जब मन बना लिया कि अब मेरे को देना है, तो आपने फिर कैसे जर्नी शुरू करी और हमसे कैसे कनेक्ट हुआ आप? सर सबसे पहले तो मैंने क्योंकि मेरा काफी ज्यादा मैं अफेक्ट हो गई थी इन सब चीजों से और मेरा कॉन्फिडेंस भी काफी लो हो गया था, तो माय पेरेंट्स सजेस्टेड मी, माय पेरेंट्स हैव बीन अ ह्यूज सपोर्ट इन दिस एंटायर जर्नी. तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सजेस्ट किया कि आप ICICI मणिपाल अकेडमी ज्वाइन कर लो, आपका थोड़ा सा खुद को रिवाइव कर पाओगे इन सारी चीजों से. और मैंने 3-4 महीने उसकी तैयारी की, मेरे जो सेमेस्टर्स थे वो सारे दिए, और फिर इंटर्नशिप का जब टाइम आया था सर, तो वहां से मेरी रियल प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी सितंबर से. तो वहां से क्योंकि मैं यहाँ से ब्रांच जाती थी और काफी टाइम मेरा ऐसे ही खाली चला जाता था, तो आई यूज्ड टू थिंक कि यहाँ पे कुछ फ्रूटफुल करते हैं क्योंकि बहुत सारा टाइम ऐसे वेस्ट जा रहा है. तो वहां पे सर फिर मैंने स्टार्ट किया था अपना प्रिपरेशन, वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी ऐसो की. तो आई मेरा एक टेबल और एक चेयर होती थी ब्रांच में, हाफ टाइम आई यूज्ड टू डील विद द कस्टमर्स एंड हाफ टाइम आई यूज्ड टू प्लान माय डे अकॉर्डिंगली दैट आई हैव टू स्ट्रेटजाइज माय डे लाइकवाइज. और मैं ऐसो के लिए प्रिपरेशन कर रही थी फिर आधे टाइम. तो इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई थी सर. तो थोड़ा बताएं हमारे बारे में आपको कैसे पता लगा, एंड हाउ डिड वी कनेक्ट, फिर आपने किस तरीके से यूज किया किताबों को, स्टडी मटेरियल को, क्या आपका स्ट्रैटेजी था पढ़ाई करने का, क्योंकि आप तो वर्किंग प्रोफेशनल भी थे अब, राइट? तो कैसे समय निकालते थे अपने जॉब के साथ, कैसे टाइम मैनेजमेंट करते थे, थोड़ा बताएं. सर 2019 में ही मैंने आपसे कनेक्ट कर लिया था, और मैंने क्योंकि 2019 में कनेक्शन था, तो इस बार मुझे पता था कि मुझे यही प्लेटफॉर्म यूज करना है अपने मेंस और इंटरव्यू के लिए. मेरा एंटायर प्रिपरेशन वाज डिपेंडेंट ऑन JC एकेडमी. अच्छा, आपका इतना भारी ट्रस्ट हम लोगों पे रहता है, एंड दैट इज द मोटिवेशन बिहाइंड अस बीइंग ऑन आवर टोज ऑल द टाइम्स. आल्सो सर आई वुड लाइक टू ऐड कि मेंस का अराउंड 75-80% वाज द पेपर वाज एक्चुअली फ्रॉम द कंटेंट द वीडियोस यू prepared, so it has helped me a lot. How much did you score in your mains examination? So it was 30 out of 60. Okay. And although I will say there was some gap because preparation थोड़ा सा मेरा पीछे रह गया था, but sir वही फिर आपके contents ने काफी ज़्यादा help की थी. I do understand, it's a tough task. जब आप सुबह जाते हो अपने ऑफिस 9:30 और शाम को जब एकदम ड्रेन्ड आप आते हो थके हुए, और since I have also worked with ICICI Bank for over 5 years, तो मैं समझ सकता हूँ किस तरीके का फायर फाइटिंग होता है, किस तरीके की मॉर्निंग हडल होती है, कैसे कस्टमर्स आते हैं, फिर फोन पे कॉन कॉल्स चलती हैं, फिर टारगेट्स आते हैं, फिर ईमेल्स होती हैं, इतना कुछ होता है दिन में कि शाम तक आते आते आपकी एनर्जी जो है ऑलमोस्ट, जो कहते हैं ना कि बैटरी में एनर्जी बार 0 या 5% ही रह जाता है. आई डू अंडरस्टैंड. तो कैसे निकालते थे समय, सुबह पढ़ते थे, शाम को पढ़ते थे, कैसे करते थे मैनेज? सर कुछ टाइम तो मुझे ज्यादातर मैं शाम के टाइम पे ही पढ़ती थी सर, सुबह का टाइम मैनेज नहीं हो पाता था, तो मैं उसी तरीके से पढ़ती थी और अपने दिन को भी प्लान करती थी. अगर मुझे ऑफिस में भी कुछ टाइम मिल गया तो मैं कुछ एडिटोरियल देख लेती थी, या फिर कुछ जो चीजें मैं कर सकती हूँ ऑफिस में वो सारी चीजें मैं वहाँ पर देख लेती थी, क्योंकि कुछ कुछ टाइम मुझे सर ऑफिस में भी मिला. आई वुड बी थैंकफुल टू ICICI ऑल्सो कि कुछ टाइम मुझे ऑफिस में भी मिल गया जिससे आई मैनेज्ड माय प्लान. सो रोनिता, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भी हमारी तरफ से ऑफरिंग था इन टर्म्स ऑफ द कोर्स और व्हाटएवर वी डिड, उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट चीजें आपको क्या लगी जिसने आपको हेल्प किया,
इन द एंटायर कोर्स जो भी हमने आपको ऑफर किया उसमें आपको सबसे ज्यादा यूजफुल क्या चीजें लगी? क्योंकि मैं जैसे मैंने कहा सर कि मैंने मेरी पूरी की पूरी प्रिपरेशन मेंस की और इंटरव्यू की पूरी जैसे एकेडमी से ही थी सर। कुछ मैंने यूट्यूब वीडियोस रेफर किए थे इसके अलावा। तो सर सबसे ज्यादा तो मुझे कंटेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, जो हमारा जो वीडियोस थे जो सर आपने डाले थे मेंस के वीडियोस वो काफी ज्यादा फ्रूटफुल थे। और इंटरव्यूज में भी सर एवरीथिंग फ्रॉम इंटरव्यू एटिकेट्स टू एवरीथिंग ये सारी चीजें मतलब दे आर वेरी मच हेल्पफुल कि आप एक इंटरव्यू को कैसे फेस करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के इंटरव्यू को कैसे फेस करते हैं। तो ये काफी दोनों चीजें आई वुड से जो सबसे ज्यादा मुझे अच्छी लगी वो दोनों चीजें थी सर, मेंस और इंटरव्यू दोनों का कंटेंट मुझे काफी काफी ज्यादा सही लगा सर। चलो थैंक यू सो मच। अब मेरे को ये बताओ कि अब आप एक प्राइवेट सेक्टर बैंक से जाओगे, यूनियन बैंक मिला आपको, कौन सा बैंक मिला बेटा? सर यूनियन बैंक। यस यूनियन बैंक मिला। प्राइवेट सेक्टर बैंक से यूनियन बैंक जाओगे राइट। अब मेरे पास लगातार कई दिनों से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का तो वर्क कल्चर मैंने सुना है बड़ा गड़बड़ है, बहुत प्रेशर है और टारगेट्स मिलते हैं और बड़ा मुश्किल है जॉब करना। आप बेटा जी आ रहे हो आईसीआईसीआई बैंक से और आप जा रहे हो यूनियन बैंक, आपने भी हो सकता है ऐसे, मैं तो रूमर्स ही बोलूंगा इनको, आपने रूमर्स सुने होंगे राइट। अब आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है और आप यहाँ, तो आप क्यों जा रहे हो यूनियन बैंक? आपको नहीं लग रहा इन सब बातों से डर या कंसर्न के प्रेशर होगा, ये होगा? तो हाउ आर यू टैकलिंग दिस सिचुएशन? सर मैंने हाँ कुछ ऐसा कुछ देखा था कि वर्क कल्चर थोड़ा डिफरेंट है और शायद उतना मोटिवेटिंग नहीं है वर्क कल्चर। बट सर आई बिलीव कि यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप जैसे होते हैं वैसा का वैसा आपका एनवायरनमेंट भी होता है, यू कैन क्रिएट योर एनवायरनमेंट। तो आई डोंट थिंक कि वर्क कल्चर मतलब हम जज करेंगे किसी तरीके से, और सिंस हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब तक गए नहीं है हाउ कैन वी जज द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है। तो और आईसीआईसीआई में काम करने से मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा मतलब वर्क कल्चर यहाँ का बहुत ही अच्छा है। हर वक्त मैं मतलब खुद को ये सोचती हूँ कि किस तरह से और मोटिवेटेड रखूँ, किस तरह से रखूँ कि आसपास के लोग और मेरा एनवायरनमेंट और भी ज्यादा से पॉजिटिव रहे। तो मुझे नहीं लगता सर वर्क कल्चर इम्पैक्ट करता है क्योंकि आप खुद से वर्क कल्चर क्रिएट भी कर सकते हो। वही है, मैं तो यही मतलब अगर सरल भाषा में बोलूं तो दाग खुद के चेहरे पे और हम आईना साफ करने लगे तो वो दाग हटेगा ही नहीं, वो दिखता ही रहेगा। तो मेरा बस एक इनपुट यही होता है बच्चों को, लेट्स लुक विद इन आल्सो कि मैं अपने एंड से क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। इफ आई एम गिविंग माय बेस्ट, अगर मैं रिलेशनशिप अच्छे मेंटेन करके चल रहा हूँ, अगर मेरा अंदर से मोटिवेशन लेवल पॉजिटिव है, थॉट प्रोसेस, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एनवायरमेंट का। मुझे बहुत ज्यादा मैं इस बारे में बिलीव करता हूँ कि दिस इज समथिंग व्हिच हैज हेल्प्ड मी आल्सो। इवन आई हैव वर्क्ड विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, इवन आई हैव वर्क्ड इन कॉर्पोरेट फॉर मोर देन 11 इयर्स। अभी भी आई डू कीप ऑन वर्किंग एज अ कंसल्टेंट एंड एज इन डिफरेंट कैपेसिटीज विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बट आई थिंक अ लॉट डिपेंड्स ऑन अस कि हम कैसा एनवायरमेंट रख के चलते हैं। यस डेफिनेटली। रोनिता थोड़ा ये भी बताओगे कि आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि वी वुड आल्सो लाइक टू हियर आपका इंटरव्यू कैसा रहा, क्या आपसे पूछा, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? सर एज इंटरव्यू तो काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो मैंने जितनी भी प्रिपरेशन की थी वहां जाके मेरे क्वेश्चंस काफी ज्यादा ऑपोजिट थे मेरे प्रिपरेशन से। तो फिर भी सिंस आप पढ़ते रहते हैं तो एक चीज रहता है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप तभी इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। तो जब मैंने ये सारी चीजें जब मैंने अपना ये बताया कि मैंने फाइनेंस पीजीडीएम इन फाइनेंस में अभी परस्यू कर रही हूँ, तो उस वक्त उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा करंट रेशियो, फिर करंट रेशियो आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें, फिर ब्रांड वैल्यू का बिस्लरी का ब्रांड वैल्यू क्या है, फिर एक बैंकिंग एनवायरनमेंट अगर आपको किसी रूरल एरिया में दे दिया जाता है तो आप किस तरीके से आप वहाँ पर आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, आप वहाँ पे किस तरीके से आप लोन्स प्रोसेस कराएंगे, किन किन प्रोडक्ट्स को आप ज्यादा वहाँ पे पुश करेंगे। तो ये सारी चीजें सर इन सारे क्वेश्चन मतलब ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अच्छा था इंटरव्यू का? जी सर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था सर। अच्छा, आर देयर एनी टिप्स दैट यू वुड लाइक टू गिव टू द कैंडिडेट्स हु वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन? व्हाट आर द टिप्स और व्हाट इज द लर्निंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद देम? सो फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से बीइंग एन एस्पिरेंट इट इज नॉट इजी, एवरी स्टेप इज डिफिकल्ट आई वुड से, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली सर मेरे जर्नी में काफी फेलियर्स रहे हैं, तो आप फेलियर्स आपको कभी आपको डिफाइन नहीं करेंगे, तो आप हमेशा अपने आप को कंटिन्यूस रखें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी कंटिन्यूटी कभी ब्रेक नहीं करें, अपने आप को कंटिन्यूस रखें, एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली
आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए सर, बिकॉज दीज डेज आई पर्सनली बिलीव दैट वी आर देर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट. आप खुद पे ट्रस्ट अगर नहीं रखेंगे तो जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती जाएगी. There's one sir, thing that that has constantly, you know, been bothering me for the last few weeks. I have seen a lot of students struggling to find justifications, find answers online. Everybody is trying to figure out नौकरियां भाई बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, कट ऑफ क्या जाएगा, इंटरव्यू में कितने बच्चों को बुलाएंगे, वैकेंसीज कम हो गई तो क्या होगा. Do you really think that thinking over these points actually is worth it? No sir, not at all sir, because results are not in our hand sir, results are not in our hand, the journey is in our hand, how we plan our days, har din hamara kaisa hoga ye hame plan karna hota hai, to ye cheez pe hamara control hai sir, but results pe hamara koi control nahi hai, so we should simply leave it and focus on the journey sir. चलो ये अच्छा है कि आप ऐसा सोचते हैं, और मैं चाहूंगा कि बाकी बच्चे भी इस डायरेक्शन में थोड़ा सोचें, क्योंकि हर चीज पे मुझे लगता है बहुत ज्यादा डिस्कशन करने से कहीं ना कहीं हम अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने फोकस को भी लूज कर देते हैं. कई बार हम ऐसी डिस्कशंस में टेलीग्राम चैनल्स के या ग्रुप्स में या सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी जगह एंगेज होकर अपना आधा घंटा दो घंटा तक हम अपना इन्वेस्ट कर देते हैं. इन्वेस्ट मैं तो कहूंगा कि वेस्ट कर देते हैं, जिससे हमारे हाथ में कुछ नहीं लगता. इनफैक्ट वी एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट टाइम. So, Ronita, one more thing I want to ask, since you'll be taking up another career path, अब आप एक public sector bank में चले जाएंगे, right? तो एक तो ये है कि अब आप अपना करियर कहाँ देखते हैं, how, what from here, यहाँ से आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? सर फिलहाल तो जो अभी है, मतलब जो चीज मैंने क्रैक किया है अभी, तो मैं उस पर फोकस करूंगी, और उसके अलावा सर सभी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो आगे उन सब चीजों को भी मैं करना चाहूंगी सर. मतलब ये आपके लिए फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, आपके लिए एक अगला इम्पोर्टेंट कदम है जहां पे आपको आप आगे जाने के लिए यूज करेंगे. बहुत अच्छा विचार है, बहुत ही अच्छा विचार है. एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड गेटिंग इन टच विद अस, एंड वी वुड लव टू शेयर योर जर्नी विद द अदर स्टूडेंट्स. और हम चाहेंगे कि आप जैसे बच्चों को देखकर बाकी बच्चे भी प्रेरित हो. चलिए, तो आपसे मुलाकात कहाँ होगी, नोएडा या कोलकाता या जहां पे आप जाएंगे वहां पर? सर नोएडा ही होगी सर. चलो, लेट्स होप, दिल्ली मेरा आना जाना होता रहता है, आऊंगा तो फिर बिल्कुल मैं पिंग करूंगा ग्रुप में और फिर मुलाकात करेंगे. थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड, एंड होप यू डू ग्रेट इन योर करियर एंड देन यू स्केल न्यू हाइट्स एवरी ईयर. बाय बाय.